नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं FM न्यूज। साल 2020 में हमने कई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों को खोते हुए देखा है। 1 जून को वाजिद खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो वहीं 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। हाल ही में वाजिद के भाई साजिद खान ने जूम टीवी को दिए इंटरव्यूज में सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को लेकर बात की। साजिद ने कहा, मुझे सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा पसंद थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। मैंने उन्हें जिम में कई बार देखा था, लेकिन मिला सिर्फ एक बार ही था। मुझे सुशांत के लिए काफी बुरा लग रहा है, साजिद ने आगे कहा। मैं खुद को बहुत अभागा मानता हूं कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, काश मैंने उनके लिए गाने बनाए होते। मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए गाना बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा सोचे कि मैं उनके नाम पर पब्लिसिटी कर रहा हूं। इसी के साथ साजिद खान ने आगे कहा, मैं उनके पिता और बहनों का दर्द समझ सकता हूं, मेरी दुआएं उनके साथ है। मैं सुशांत सिंह राजपूत की सभी बहनों को कहना चाहता हूं कि वह मुझे अपना भाई समझे और अकेला ना महसूस करे, हम उसके साथ हैं। इसी के साथ ही साजिद खान ने अपने भाई वाजिद खान को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, मैं जिस कमरे में बैठता हूँ वहाँ दीवार पर वाजिद की तस्वीर है, मैं तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और उनसे बातें करने लगता हूँ। मैं आज भी वाजिद को व्हाट्सएप पर जीत जाएंगे हम गाना भेजता हूँ, कभी तो उनके नंबर पर कॉल भी करता हूँ या फिर मैसेज करके पूछता हूँ कि हमारा गाना कब रिलीज हो रहा है। मैं अभी उस अवस्था से बाहर नहीं निकलना चाहता, शायद कुछ वक्त बाद में वाजिद के फ़ोन से लोगों को कॉल करूँ। साजिद ने बताया कि शुरुआत में तो मैं काफ़ी रोया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं हंसता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही बैठा है, मैं कभी पास रखी वाली कुर्सी से ही बातें करता रहता हूँ।